अपहरण, हत्या, बलात्कार। मुजरिम और जुर्म जब होते हैं जुदा तो छूटते हैं सुराग। इन्हीं सुरागों की बिना पर मिलती है सजा, लेकिन जब कानून ही बनने लगे मुजरिम का मददगार तो कौन देगा इसका जवाब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पायल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की इन खास सुर्खियों पर। श्वेता खान ने राजस्थान में तीन बच्चा बेचा। माँ की मौत के बाद पिता करने लगा था छेड़छाड़। तुर्की ने एक साथ दो देशों पर किया हमला, चारों ओर तबाही। अब खबरें विस्तार से। श्वेता खान ने राजस्थान में तीन बेचा था बच्चा। बच्चों के खरीदार फरोखात का रैकेट चलाने वाली श्वेता खान ने राजस्थान में एक बालक को बेचा था। कलमना पुलिस अवैध संबंध से पैदा हुए इस बालक का पता लगाने में जुटी हुई है। अब श्वेता, सचिन और उनके साथियों तथा प्रजापति दंपति द्वारा बेचे गए बच्चों की संख्या 7 हो गई है। इसी बीच पुलिस ने श्वेता और प्रजापति की दंपति की हिस्सा को आज सोमवार 21 नवंबर तक बढ़ा दिया है। अब तक की जांच के अनुसार बच्चों की बिक्री करने वाले रैकेट में श्वेता सालवे उर्फ खान, उसके साथी सचिन पाटिल की अहम भूमिका होने का खुलासा हुआ है। श्वेता पुलिस को पूछताछ में सच्चाई नहीं बता रही है, लेकिन उसे लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सचिन ने उसकी मदद कर कुछ माह पूर्व अनचाहे गर्भ से पैदा हुए बालक को ले गुजरात में बेचा है। बालक की माँ और खरीदार हाथ नहीं लगने पर पूरा केस सामने नहीं आया है। इसके पूर्व श्वेता और सचिन पाटिल की कलमना से चुराए गए 8 माह के बच्चे और अंबाजरी खान थाना क्षेत्र के एक बालक की बिक्री में लिप्त होने की पुष्टि हुई है। कलमना प्रकरण से हुई पूरा रैकेट सामने आया है। रैकेट में ही योगेंद्र प्रजापति और उसकी पत्नी रीता गिरफ्तार है। प्रजापति दंपति ने कलमना के बालक के अलावा खुद के दो बेटों तथा एक बेटी को बेचा है। उनका केवल एक बेटा पुलिस के हाथ लगा है। मां की मौत के बाद पिता करने लगा था छेड़छाड़। अब दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए कोतवाली पहुंची किशोरी। एक गांव की किशोरी ने अपने पिता पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है। उसका कहना है कि पिता ने उससे दुष्कर्म किया है। पीड़िता के गर्भवती होने की भी क्षेत्र में चर्चा है। कोतवाली क्षेत्र में एक गांव की किशोरी ने शनिवार को पिता पर दुष्कर्म किया और पुलिस से की बातचीत, जिसमें पीड़िता ने बताया कि उसकी माँ के तीन वर्ष पहले मृत्यु हो गई थी। आरोप लगाया कि माँ की मौत के बाद पिता उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा था। जब उसकी उम्र 15 वर्ष थी, एक दिन रात के समय पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बीच वह गर्भवती हो गई। किसी से शिकायत करने पर पिता ने जान से मारने की धमकी दी। इंस्पेक्टर ब्रजेश कुमार पांडे ने बताया कि मामला संदिग्ध है, तहरीर मिलते ही प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। तुर्की ने एक साथ दो देशों पर किया हमला, चारों ओर तबाही। इस वक्त दुनिया की कई देशों के बीच जंग छिड़ी हुई है, तो कई देशों में वॉर के हालत है। यूक्रेन में रूस हमले के चलते पूरी दुनिया में मंदी का दौर बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही चीन लगातार ताइवान पर हमला करने के लिए उतावला हुआ पड़ा है। साथ में कई और देशों में बीच युद्ध के हालात बने हुए, लेकिन रूस और यूक्रेन के बाद तुर्की ने इराक पर हमला बोल डाला है। इराक के साथ तुर्की ने सीरिया पर भी जमकर बम बरसाया है। तुर्की ने यह हमला इस्तांबुल में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत और 80 लोगों का घायल होने के बाद किया है। तुर्की की ओर से इस हमले के बारे में जानकारी दी जा रही है। तुर्की के साथ अमेरिका भी PKK को एक आतंकी समूह मानता है, लेकिन सीरिया में ISI समूह के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका के साथ खड़ी सीरियाई कुर्दिश फोर्स को लेकर असहमत है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार की तुर्की के संभावित सैन्य कार्रवाई की आशंका जताई थी। इसी के साथ उसने अमेरिकी नागरिकों को उत्तरी सीरिया के इलाके में यात्रा न करने की सलाह दी। तुर्की ने हालांकि इस मामले में इस हमले को लेकर अभी पूरी जानकारी नहीं दी है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज TV ऐप डाउनलोड करें। इंस्टालिंग ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रही है MNS न्यूज पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।